नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर आपके साथ में ईवी चार्जिंग व्हीकल की जो किट हमने डेवलप की थी उसके बारे में बताने के लिए इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगा। तो जो किट है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं। एक तो मेन केबल का रोल है, एक अर्थिंग वायर की केबल का रोल है, एक इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंडिंग के लिए ये लोहे का रॉड है, कॉपर की प्लेट और एक क्लैंप और साथ ही एक टोइंग रोप। मेन केबल रॉल के कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये स्विच बोर्ड है, एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर और एक केबल जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से 4 स्क्वायर mm या 2.5 स्क्वायर mm का और लंबाई में 15, 20 या 25 मीटर। इस स्विच बोर्ड के ऊपर जो अवेलेबल पॉइंट्स हैं ये इंडिकेटर आपको बताता है कि आपकी जो वायरिंग है उसकी पोलैरिटी और अर्थिंग ठीक है कि नहीं है। ये MCB है 25 एम्पियर की, जिसको या अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो यहाँ पर या लोड गलत हो तो फिर ये आपको ट्रिप करती है और गाड़ी का प्रोटेक्शन देती है। ये अर्थिंग का सिलेक्टर है इंटरनल। अगर आपके घर की वायरिंग या जहाँ आप चार्जिंग कर रहे हैं उसकी वायरिंग की अर्थिंग सही है तो आप इंटरनल अर्थिंग रख के और चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सटर्नल करके बाहर से अर्थिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी गाड़ी का चार्जर लगता है और ये 16 एम्पियर का स्विच जो कि इसके लिए दिया गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मीटर आपको जितना भी यहाँ कंजम्पशन हुआ है उसका सीधा सीधा रीडिंग आपको यहाँ मिलता है। ये देखिए मेन रॉल को हमने ऑन किया है, मेन स्विच बोर्ड और इन चीज़ों को, तो आप ये देख पा रहे हैं कि पोलैरिटी इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो वायरिंग है इसका इसकी पोलैरिटी भी ठीक है और इसके अंदर अर्थिंग भी अवेलेबल है। सेलेक्टर को हमने इंटरनल साइड पे रखा है, ठीक है। आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर मैं मान लो जो एक्सटर्नल अर्थिंग सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंडिकेटर ऑफ हो जाता है क्योंकि बाहर एक्सटर्नल अभी कोई अर्थिंग है नहीं, तो इसलिए मैं इंटरनल अर्थिंग सेलेक्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको अभी 0 दिखा रहा है, जितना भी चार्ज कंज्यूम होगा वो यहाँ पर आपको यूनिट्स में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको ये इंडिकेटर ग्लो होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी ईवी के चार्जर को यहाँ पर लगा सकते हैं और उसको कोई डैमेज नहीं होगा। अब हम आपको बताएंगे कि अगर ये अर्थिंग नहीं अवेलेबल हो, इंटरनल अर्थिंग अगर नहीं अवेलेबल हो तो एक्सटर्नली हमें कैसे अर्थिंग क्रिएट करनी है। इसके यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पर आपको ये अर्थिंग का जो स्पूल है इसके अंदर 30 मीटर वायर है 2.5 स्क्वायर mm का, इसको आप यहाँ लगाइए और इसको ऐसे अच्छे से फासन कर दीजिए। और जो इसका दूसरा सिरा है इसको जितना ज़रूरत हो उतना खोल लीजिए और इस सिरे के ऊपर अगर आपको ज़मीन में आयरन की रॉड डाल के अर्थिंग करनी है तो ये आयरन की रॉड को कनेक्ट कीजिए इस तरीके से, और उसके बाद में आप इस आयरन रॉड को ज़मीन में गाड़ सकते हैं। अगर आपको वाटर टैंक बेस्ड अर्थिंग करनी है तो ये जो कॉपर की प्लेट है इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से और इस रिंग को अच्छे से टाइट कर दीजिए। और अब आप इसको पानी की टंकी में, ग्राउंड वेस्ट सीमेंट वाली जो टंकी होती है उसके अंदर लटका के अंदर पानी में डुबो सकते हैं और आप पाएंगे कि ये जो इंडिकेटर है ये उस टाइम ग्लो होने लग जाएगा। अगर आपको बाजू में कोई हैंड पंप या इस टाइप का या कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ट्रांसफार्मर जिसके अंदर ज़मीन में अर्थिंग अवेलेबल है वो अगर आपको लगानी है तो इस क्लैंप को कनेक्ट कीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद इस क्लैंप को आप उस पॉइंट पे लगा सकते हैं जैसे कोई भी मेटल का आइटम है जैसे हैंड पंप है या होटल की प्लम्बिंग है GI पाइप की, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी अर्थिंग मौजूद है आसपास, तो आप इस क्लैंप को वहाँ पकड़ा सकते हैं। इन तीनों ही हालत में आपका काम सही हुआ है या नहीं वो आपको इस इंडिकेटर से पता चलेगा।
ये ग्लो हो गया, इसका मतलब आपका काम सही हुआ है। और दोस्तों बिल्कुल ही वर्स्ट केस में कहीं आपकी गाड़ी हाईवे पे डिस्चार्ज हो जाए, तो आपकी किट में ये टोइंग रोप दिया गया है जिससे आप किसी भी गाड़ी से लिफ्ट ले सकते हैं, टो ले सकते हैं, और या फिर पास के सर्विस स्टेशन से टोइंग के लिए हेल्प मांग सकते हैं। और इस रोप की खासियत यह है कि ये फ्लेक्सिबल है। हमारे अनुभव के अंदर हमने पहले एक लोहे का फिक्स्ड रोप लिया था, टोइंग केबल लिया था, खरीदा था, लेकिन उससे ये हुआ कि वो कई बार टूट गया। मतलब तो उस टूटने के लिए कहीं भी छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया तो वो टूट गया। तो फिर हमने पाया कि ये पर्टिकुलर रोप जो है ये परफेक्ट है उस पर्पज़ के लिए, तो इसलिए हमने किट में शामिल किया है। तो दोस्तों एक्सटर्नल अर्थिंग का एक डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए हम यहाँ बाहर आए हैं अपनी किट को लेके। और इसमें आप देखिए कि अभी ये इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है, मैंने एक्सटर्नल अर्थिंग सेलेक्ट कर रखी है। अब हम एक्सटर्नल अर्थिंग एक्चुअली यहाँ बनाने वाले हैं, और आप देखिएगा कि कैसे ये इंडिकेटर लाइट आपको बताती है कि अर्थिंग जब अच्छे से हो जाती है तो कैसा दिखाई देता है। अभी हमने जो अपना एक्सटर्नल अर्थिंग का जो रोल है इसको यहाँ पर पॉइंट पे कनेक्ट किया इस प्रकार से, और अब ये जो अपनी जो आयरन की रॉड है इसको लगभग एक या डेढ़ फीट तक अंदर ठोक देंगे सैंड के अंदर। करीब करीब 1 लीटर पानी ये जो कनेक्टर है इसको ऐसे लगा देंगे। तो इस अरेंजमेंट के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इंडिकेटर है ये आपको दिखा रहा है कि पोलैरिटी और अर्थिंग ओके है। अब आपको अपनी कार को यहाँ से चार्ज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से ये किट काम करती है। दोस्तों अब हम इसको एक्चुअली गाड़ी चार्ज करेंगे इस सेटअप के थ्रू और अपनी लोकली क्रिएटेड अर्थिंग के थ्रू। तो ये हमने गाड़ी के अंदर चार्जिंग पॉइंट लगाया और इसको स्विच ऑन किया। तो अब हम देखते हैं कि जो पावर कंजम्पशन की पल्स है वो चालू हो चुकी है और ये चार्जिंग इंडिकेटर भी चालू है। मीटर आपकी जो पावर कंज्यूम्ड हुआ उसकी रीडिंग अब लगातार दिखाता रहेगा और आपकी गाड़ी सफलतापूर्वक चार्ज हो रही है। जब आपकी चार्जिंग पूरी हो जाए तो इस आयरन बार को वापस बाहर निकालने के लिए हमने इसमें हैंडल दिए हैं जिससे कि आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम दिखाना चाहेंगे कैसे। इस तरह से आप सिंपली अर्थिंग के रॉड को बाहर निकाल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।